बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूं नाहिद। आज हम बनाएंगे सुकट की चटनी, यानी ड्राई प्रॉन्स की चटनी। क्रिस्पी जौले की ये स्पाइसी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। जिसे ड्राई फिश खाना पसंद है, उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए मज़ेदार सी सुकट की चटनी किस तरह बनाती हूँ देख लेते हैं। सुकट की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, मैंने 50 ग्राम सुकट ली हूँ। तो इसको मराठी में जौला भी बोलते हैं। तो देखिए, ये एक तरह से ड्राई बेबी प्रॉन्स ही है, जिसे नमक लगाकर सुखाया जाता है। तो इसमें भी दो क्वालिटी होती है, एक सफ़ेद रंग के होते हैं और एक गोल्डन कलर के होते हैं। तो ये मैंने गोल्डन कलर के ली हूँ। तो अब सबसे पहले इसे झटक लेंगे हम, ताकि इसमें जो भी कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो इतने 50 ग्राम सुकट आपको बाज़ार में 25 से 30 रुपये के भाव में मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते आजकल, तो ये ऑनलाइन में भी मिल जाते हैं, या फिर कोई आप ड्राई फिश की दुकान पे जाओगे ना तो वहाँ पर भी आसानी से मिल जाते हैं। तो इसे एक बार हाथ फिरा लेती हूँ, ताकि इसमें मिट्टी वगैरह हो, पत्थर हो तो निकल जाए। तो जो लोग बोमिल, सूखे बोमिल वगैरह खाना पसंद करते हैं ना, उन्हें ये चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए, मैंने ये साफ़ कर ली हूँ। अब इसे हम पकाते टाइम पर ही धोएंगे, और चलिए इसकी चटनी बना लेते हैं अभी। तो झींगे की चटनी बनाने के लिए गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी हूँ। यहाँ पर देखिए, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह से बारीक काट कर ली हूँ। इसे डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज को पहले तेल डाले बिना ही हमें भून कर लेना है। थोड़ा सा इस तरह से हम प्याज को तेल डाले बिना ही भून कर लेते हैं ना, तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और प्याज में जो हल्का सा पानी है वो भी सूख जाए, उसके बाद थोड़ा तेल डाल के प्याज को हम लाल करेंगे। ये देखिए, प्याज हल्की सी यहाँ पर भुने गई है। अब इसमें हम तेल डालेंगे, और तेल डाल के इसे हल्का सा फ्राई करना है हमें। तो 2 चम्मच में इसमें तेल डाल देती हूँ। और बहुत ज़्यादा भी प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस प्याज थोड़ी सी हमारी नरम हो जाए ना, वहाँ तक ही हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, प्याज हल्की सी नरम हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम 6 से 7 लहसुन की कलियां कूटी हुई। तो मैंने लहसुन को अच्छे से कूट ली, इस तरह से दरदरा सा ये डाल देते। इस तरह से कूटा हुआ लहसुन थोड़ा सा डालते हैं ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते। यहाँ पर देखिए, प्याज हल्की सी हमारी नरम हो गई है। इस टाइम पर हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने बारीक टुकड़ों में काट ली हूँ, ये डाल देते। थोड़ा सा टमाटर को प्याज के साथ फ्राई कर लेते हम। प्याज टमाटर की वजह से चटनी की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और चटनी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, टमाटर भी थोड़े से नरम हो गए हैं। गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे, और प्याज टमाटर को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो तेल बचेगा उसे हम कढ़ाई में ही रखेंगे। आगे हम सुकट डाल के इसकी चटनी पूरी तैयार करेंगे। ये देखिए, प्याज टमाटर मैंने निकाल ली हूँ। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे, और सुकट को धो लेंगे हम। तो यहाँ पर सुकट को मैंने एक बर्तन में निकाल ली हूँ। अब इसमें पानी डालकर 2 से 3 बार हम इसे धो लेंगे। बहुत ज़्यादा रगड़ते हुए नहीं धोना है हमें। इस तरह से हम इसका पानी बदल देंगे, और 2 से 3 बार इसे धो लेंगे। यहाँ पर 2 से 3 बार मैंने सुकट को अच्छे से धो लियो। अब उसी कढ़ाई में हम सुकट को डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये महाराष्ट्र स्टाइल में मैं ये सुकट की चटनी बनाना बता रही हूँ मैं आपको। इसे ना ठेसे में भी बनाया जाता है हरी मिर्ची के, आप चाहे तो किसी में भी बना सकते हो। आज मैं लाल मिर्ची की चटनी में बनाने वाली हूँ, लाल मिर्च पाउडर डालकर। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है ये। इसे हम ऐसे ही, इसमें जो पानी है ना उसे अच्छी तरह से सुखा लेंगे, उसके बाद इसमें तेल डालकर इसे फ्राई करेंगे। पहले हम इसका पूरा पानी इस तरह से सुखा लेते। ये देखिए, सुकट में जो भी पानी था वो अच्छी तरह से सूख गया है। अब मैं इसमें तेल डालकर इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो इस चम्मच से मैंने 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ। ये जब फ्राई होते हैं ना, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जो लोग ड्राई फिश वगैरह खाना पसंद करते हैं ना, उन्हें पता ही होगा कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी लगती है।
थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं और देखना है कि जले नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते, ज़्यादा इसे टाइम नहीं लगता है फ्राई करने में। देखिए ये जो जौला है हमारा, ये क्रिस्पी होने लगा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी फ्राई होने की। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं सुकट को हमें क्रिस्पी करते हुए। अब गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे और जो हमने प्याज टमाटर को फ्राई करके रखा है ये डाल देते हैं। इसे मिक्स कर देते हैं। प्याज टमाटर डालकर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ। अब इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। थोड़ी सी हल्दी पाउडर है और 1 से 2 पिंच यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है। नमक है टेस्ट के हिसाब से, तो थोड़ा नमक कम ही डालना है क्योंकि ये जो सुकट है उसे नमक लगा कर ही सुखाया जाता है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। आज ये चटनी मैं सूखी सूखी बना रही हूँ तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। अगर आपको लगे कि मिर्ची मसाले आपके जल रहे तो थोड़ा सा पानी आप इसके ऊपर छिड़क सकते हो। थोड़ा सा मिर्ची को भी सुकट के साथ पका लेते हैं। तो यहाँ पर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ भी मैंने सुकट को पका ली हूँ। और देखिए मसाले भी अच्छी तरह से चटनी में अच्छे से मिक्स हो गए और देखिए टेस्टी सी हमारी ये चटनी बनकर तैयार है। इसमें थोड़ी सी प्याज ज़्यादा डालते हैं तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब हम गैस बंद कर देंगे और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते और गर्मा गर्म ये सुकट की चटनी तैयार है हमारी। आप चाहे तो गेहूं की रोटी के साथ खाएं, बाजरी की रोटी के साथ, ज्वारी या मकई किसी भी रोटी के साथ खाएं या फिर खिचड़ी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है ये। कहीं सफ़र पर जा रहे हो तो भी आप साथ में इसे ले जा सकते हो। तो ये देखिए जौले की चटनी यानी सुकट की चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हो या फिर ठंडी भी करके खाओगे तो भी ये मज़े की ही लगती है। तो जो लोग ड्राई फिश वगैरह खाना पसंद करते हैं ना तो एक बार मेरे तरीके से ये सुकट की चटनी ज़रूर बना कर देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। मेरे चैनल पर सूखे बोंबिल की कई तरह की रेसिपी शेयर की हुई, जैसे कि बोंबिल की चटनी है, बोंबिल का रसे वाला सालन है और बोंबिल के ठेसे की रेसिपी भी शेयर की हूँ। अगर आपको अलग अलग तरह की बोंबिल या फिर सुकट की चटनी या सुकट का सालन ऐसा देखना हो तो मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाकर देख सकते हो। आज की सुकट की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।